राजधानी जयपुर के सदर थाना इलाके में बीती रात एक कार में अचानक आग लगने से आसपास हड़कंप मच गया। कार में आग लगने की जानकारी मिलने पर सदर थाना पुलिस ने दमकल को मौके पर बुलाया। एक दमकल ने करीब 20 मिनट तक आग बुझाने का प्रयास किया, जिसके बाद आग बुझी, लेकिन पुलिस और दमकल ने कार मालिक से संपर्क करने का भी प्रयास किया। कार मालिक का फोन निरंतर बंद जा रहा था। मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने बताया कि कार नंबर RJ19CE5121 होटल नमस्ते के सामने खड़ी थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि कार से उतरे व्यक्ति ने ही कार में आग लगाई। हालांकि इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो सकी है। पुलिस ने कार मालिक से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उसका मोबाइल नंबर बंद जा रहा है। पुलिस ने आसपास लगे CCTV कैमरा खंगालने शुरू कर दिए, जिससे वास्तविक घटना की जानकारी सामने आ सके। वहीं कार के नंबर के आधार पर कार मालिक के घर का पता लगाकर उनसे भी संपर्क करने का प्रयास जारी है।